उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान 45 डिग्री पहुंच जा रहा है, दोपहर में सबसे ज़्यादा तापमान पहुंच रहा है, और इसी के साथ जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसका असर लोगों पे दिखाई दे रहा है। ये 1090 चौराहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ लोग घूमने आते हैं, लेकिन अभी देखिए केवल गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लोग कम नज़र आ रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ लोग शाम को सुबह घूमने आते हैं, दोपहर में भी लोग यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन काफ़ी सन्नाटा है। गाड़ियों के अलावा जो पैदल लोग आने वाले लोग हैं जो घूमने आते हैं वो कम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिनों में हीट स्ट्रोक से कई जाने गई हैं। बलिया में लगभग जो जानकारी मिल रही है उससे करीब 100 लोगों की जाने गई हैं, और लखनऊ में भी ऐसी वारदात देखने को मिली है कि लगभग हीट स्ट्रोक से लोगों की जाने जा रही हैं। ऐसे में जो मौसम विभाग का अनुमान है उसके अनुसार जो मानसून है उसे पहुंचने की संभावना थी, लेकिन पिछले 3 दिनों का जो रिकॉर्ड देखा गया है उसमें मानसून धीमा हो गया है और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आगे नहीं बढ़ा है। इस तरीके से देखा जाए तो बिहार और झारखंड तक मानसून को पहुंच जाना चाहिए था, अब जिसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसका असर लोगों पर दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। डॉक्टरों की भी सलाह है कि लोग अपने घरों से कम निकलें और जो भी शीतल पेय पदार्थ है उसका सेवन करें, घर से कम निकलें और साथ ही अपनी सुरक्षा खुद करें, बाहर कम निकलें जिससे हीट स्ट्रोक ना हो। काफ़ी मौतें हुई हैं जिससे शासन और प्रशासन काफ़ी परेशान है और तमाम उपाय कर रहा है कि लोगों के साथ ऐसी कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।